हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेबी के लिए रागी का हलवा या पॉरेज कैसे बनाते हैं। रागी को नाचनी भी कहते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। देसी घी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, पिघलने लगेगा, तब हम उसमें रागी का आटा डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधी छोटी कटोरी आटा लिया है। अब हम इसे घी में मिलाकर थोड़ी देर भूनेंगे। फ्लेम को एकदम स्लो रखें। जब आटा भूनने लगेगा तो उसमें से थोड़ी सौंधी खुशबू आने लगती है और साथ ही साथ में जो आटे का कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। जब आटा भुन जाएगा तब हम उसमें पानी ऐड करेंगे और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि कोई भी लम्स या गुठलियां ना पड़े। करीब मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी लिया है। हलवे को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि कोई भी लम्स ना रहे, वरना हलवा अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आप गुड़ की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को शुगर देते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों को कहा जाता है कि शुगर नहीं देना चाहिए। अधिकतर डॉक्टर शुगर और नमक मना कर देते हैं, इसीलिए हम शुगर की जगह थोड़ा सा गुड़ इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा ये मीठा भी हो जाता है और साथ ही साथ में गुड़ में बहुत आयरन होता है, वो भी बच्चों को मिल जाता है इसके थ्रू। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करेंगे। हम लगातार इसको चलाते जाएंगे हलवे को जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बेबीज के लिए। और अगर सर्दियों का मौसम है तो हलवे में ड्राई फ्रूट जरूर ऐड करें जिससे कि बच्चों को फुल न्यूट्रिशंस मिल सके और ड्राई फ्रूट से जो हलवे का टेस्ट है वो और भी यमी हो जाता है। हलवा हमारा बन चुका है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूंगी क्योंकि ठंडा होने पर यह थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे सर्व करने के लिए एक कटोरी में निकाल लेंगे। बच्चे को देने से पहले इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें अगर आप चाहते हैं तो, ये टोटली ऑप्शनल है। इस हलवे की कंसिस्टेंसी बेबीज के लिए इतनी ही रखें, बहुत गाढ़ा ना करें जिससे कि बच्चे इसे इजिली खा सकें। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।